दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत पेश किया। विश्वास मत पर कल विधानसभा में चर्चा होगी। हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई है, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से आरोप लगाया। हमारे सात विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। अरविंद केजरीवाल ने बोला, हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया। दिल्ली में कई बार ऑपरेशन लोटस चला है, अरविंद केजरीवाल का यह आरोप। कुछ दिन पहले मेरे पास दो MLA आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 MLA को संपर्क कर लिया है और 21 MLA मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो। तो उन दोनों ने आके बताया, जी हमने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मना कर दिया। फिर हमने एक एक MLA से बात करके, फोन करके संपर्क किया, तो पता चला कि 21 तो नहीं, 7 MLA को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 MLA ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके, इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार इन सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी MLA नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे MLA आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है।